क्या तुम मेरी बात सुनोगे? ब्रोकली कितनी बार कहा है तुम्हें, बच्चों से दूर रहा करो। मन को है भाई बंसी, मन में समाई बंसी। ओए मोटू मेरे प्रा, ये इंजेक्शन तुझे लगा दूंगा तो तेरे सिर के बाल सारे आ जाएंगे। ये शनिवार का दिन है, शाम के लगभग 7 बजे हुए हैं। हम मौजूद हैं लेके आपके लिए बेहतरीन लोगों को अपने बेहतरीन से प्रोग्राम पे, जिसका नाम है वाह दगड़िया। नमस्कार, मैं दीपांश शुक्वर हूँ, आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ दो कमाल के कलाकारों से, कमाल के अदाकार हैं वो, आवाज़ सुरीली है तो एक तरफ हुड़की की थाप आज आपको सुनने को मिलेगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं जगदीश गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। और दाजू के साथ मौजूद हैं जो हमारे उत्तराखंड की सबसे, भारत की सबसे बड़ी जो बाखली है वहाँ से मौजूद हैं शंभु दत्त साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं जी, क्योंकि मैं ऐसे कलाकारों के साथ हूँ कि आज हमारे जो दर्शक हैं वो पक्का कहने वाले हैं कि यार दाजू कहाँ कहाँ से लेके आए होगा। तो जगदीश जी तो कैसा लगना है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, हाँ। हम दोनों को आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जहाँ पर आप गाते बहुत अच्छा हैं वहीं दूसरी तरफ आप हुड़का बहुत अच्छा बजाते हैं, आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं और हमारे दर्शक भी इंतजार करेंगे कि यार ये कहाँ से आज आर्टिस्ट लेके आए हैं। तो खलबली तैयार रखते हैं, मैं गोस्वामी जी से निवेदन करूँगा कि सेवा में श्रीमान, आज कुछ हो जाए तड़कता भड़कती शुरुआत, चलाएं अपने तीर कमान है। बिल्कुल आपकी अनुमति से शुरू करते हैं हम। मेरा खुद का एक स्वचरित लिखित गीत है, ये फोक हमारा जो कैले बजे मुरली था उससे मिलता जुलता है और ये फ्यूजन है, हिंदी और पहाड़ी मिक्स है, तो मैं सुनाना चाहूँगा आपको। बिल्कुल स्वागत, सुनिए। कतु भले बाजरे मुरली ऊंचा नीचा डांडियो माँ, ऊंचा नीचा डांडियो माँ, कतु भजी बजर मुरली ऊंचा नीचा डांडियो माँ, ऊंचा नीचा डांडियो माँ, कैसी प्यारी बजी बंसी, क्या बात है, ऊंचे नीचे इन पहाड़ों में, कतु भले बजर मुरली ऊंचा नीचा डांडियो माँ, डांडियो हरिया डांड का नाम सुरीली बाजे रे मोरुलिया, सुरीली बाजे रे मोरुलिया, ए हरी भरी वादियों, क्या बात है, कमाल है, वाह। ओ हरी भरी वादियों में हाय मधुर मधुर बाजे रे बांसुरिया, मन को है भाई बंसी, मन में समाई बंसी, कतु भले बजर मुरली ऊंचा नीचा डांडियो माँ, डांडियो माँ, डांडियो माँ। मके तो लगना कि गोस्वामी जी जो छे वाव पक्का जा रहे होने वाला और वाव जाबेर बंसी खूब बजा रहे, वो तो ठीक है, मगर ये बताइए कि गोस्वामी जी को सुन के दूसरे गोस्वामी जी की याद आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, बिल्कुल याद आई। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। गोपाल बाबू गोस्वामी जो थे वो मेरे पापा के मित्र थे, क्या बात, वो साथ में गाते थे, तो मुझे जो मिला है वो मेरे पिताजी से मिला, क्या बात है। पिताजी गाते हैं, ताजी भी मेरे गाते हैं अपना घर में इस तरह का, तो वो जो गाते थे वो ही मेरे अंदर आया, बिल्कुल, तो धीरे धीरे मैंने भी शुरू किया फिर ये। क्या बात है, तो लग रहा था कि हम कोई पहाड़ों पे बैठे हैं, बकरी वकरी चराने के लिए लगी हैं और बढ़िया करके जो है मुरली उल्ली बज के इस तरह का को सुनाई दे रहा है, तो कमाल के आप आर्टिस्ट हैं, कमाल की आपकी आवाज़ है, और सबसे बेहतरीन जो बात है लिखते भी बड़ा प्यारा है, एक तो होता है कि दूसरे को गाने को गाना, एक होता है अपने गाने को गाना, तो एक अलग सी कला है। बाखली के बारे में बताइए, अपनी बहुत प्रसिद्ध है आपके। अच्छा, हाँ, मैं
बचपन की यादें बताऊं, हम लोग तो गाजियाबाद रहे, मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा कह लीजिए या फिर जन्म तो मेरा बाखली में हुआ। तो हम लोग, मुझे याद है मैं फिफ्थ या सिक्स्थ या पाँचवीं छठी क्लास में था, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम पहाड़ आते थे, पूरी फैमिली, पिताजी, मम्मी, मैं और मेरे दो भाई बहन। तो दूर से ऐसा मैं लगता था ट्रेन खड़ी है, अब उस समय बचपन ही हुआ, तो पास जब जाके देखते थे वो मकान होते थे, लाइन से 20-25 मकान एक साथ, ऐसे बाखली बोलते हैं कि 22 घर एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से 26-27 मकान होंगे ही होंगे। तो वो आनंद आता था, बाखली सबकी छतें एक साथ और लोग खेल रहे हैं आगे। अब आज तो पलायन ने काफ़ी जो है स्थिति बेकार कर दी है पहाड़ों की। तो उस समय मुझे लगता था यार ये हमारे गांव में ही होगा या ऐसा और भी होगा, लेकिन और जगह दिखते थे 6-7 घर एक साथ या 8-10 घर एक साथ। फिर धीरे धीरे अब जब ये आधुनिकता चलती रही, नेट आया, इंटरनेट आया, तो नेट पे भी जब आज सर्च करेंगे तो एशिया की नंबर वन बाखली आज वो कुमाटी गांव के नाम से जानी जाती है। क्या बात। तो मेरा एक सपना था कि वहाँ मैं कुछ ना कुछ शूट करूँ, एक दो लोगों ने वहाँ फिल्म भी करी। तो फिर मैंने अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले एक गाना माया उपाध्याय जी का है, वो जीजा साली का गाना है, तो उसमें मैंने एक्टिंग करी है। तो मैंने उनसे एक शर्त रखी कि ये गाना आप मेरे गांव में ही शूट करेंगे। क्या बात। तो फिर वो गाना वहाँ शूट किया गया और काफ़ी अच्छा, वो अभी व्यूज़ भी उसको अच्छे मिल चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले अपनी संस्कृति और अपने पहाड़ जो हैं लोगों तक पहुँचे। बहुत कमाल की बात आपने बताई, बाखली जो है लगातार विलुप्त होते जा रही है, आजकल तो लेंटर वाले मकान आ गए कहा, और लेंटर वालों के मकान। आप देखिए पहाड़ों में भी लेंटर, अभी जो पहाड़ों में आप देख रहे हैं आपदाएं आ रही हैं, मौसम बिगड़ रहा है, पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, जगह जगह डामर की सड़कें, गर्मी अपने आप होनी है, जंगलों में अपने आप आग लगनी है। तो ये जो है ना, जितने हम सुविधाओं की तरफ बढ़ेंगे उतना हमें असुविधा होनी होनी है। बाखली बहुत जरूरी है, जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी उतनी दुविधाएं बढ़ेंगी। सही कहा आपने, पहाड़ों में ऐसा ही है। गोस्वामी जी मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। नहीं, कहाँ मिमिक्री कर। देखिए आज हम इनके अलग अलग कला को, एक्टिंग भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, तो सब सुनेंगे आज। बेटा मिमिक्री एक जमाने में करते थे बेटा, अब तो बेटा हाल मास का शरीर रह गया है बेटा। अच्छा। पहले तुम मिलते ना बच्चे, ऐसा गाना सुनाते तुम्हें, ऐसा सुनाते बेटा। अब तो 2 मंजिला तुमने ये ऑफिस बना रखा है, घुटने चढ़ दर्द हो गए बेटा, ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस अलग फूल जाता है यार। तुम यार नीचे बुलाया करो ऑफिस में है। वाह। ये थे गोस्वामी जी का दूसरा रूप था। तो जगदीश दा हमारे अलग अलग आवाज़ें निकाल लेते हैं, और क्योंकि कभी बुढ़े बन जाते हैं, कभी जवान बन जाते हैं, गाना तो कमाल गाते ही हैं। नहीं, एक कलाकार को सब कुछ बनना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ। का कोई ये अपने हॉबी कह लीजिए, रुचि कह लीजिए, धीरे धीरे बढ़ती गई करती गई। बच्चे बड़े खुश रहते होंगे आपसे। हाँ, वो मुझे सुनते हैं, नो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? ब्रोकली कितनी बार कहा है तुम्हें, बच्चों से दूर रहा करो। क्या तुम मेरे लिए कॉफी लाना चाहोगी? नहीं बेब, मेरे पास और बहुत सारे काम है, तुम अपने काम खुद करो। क्या बात है, क्या बात है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। तो साहिल जी आप भी करते हैं? हाँ, शौक तो बचपन से ही रहा मिमिक्री का, और मैं क्या कहते हैं, बचपन से कार्टून आज भी देखता हूँ। मुझे कार्टून से अच्छा सुकून जो है किसी उसमें नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों के मतलब के लिए बढ़िया है। आजकल की आप फिल्में देख लीजिए, गाने देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि बच्चों के मतलब के लिए हैं। चलिए आप जनरेशन गैप होता है, उम्र आपकी बढ़ रही तब सही है। तो मैं अभी मोटू पतलू, अच्छा, तो वो मक्कड़ साहब उसके राइटर हैं जिन्होंने बनाया था, हल्द्वानी आए थे, मेरा सौभाग्य था, मैं उनसे मिला भी। क्या बात। उन्होंने मुझे स्केच भी बना के दिया मोटू पतलू का, तो मेरे बच्चे भी मोटू पतलू ही देखते हैं। अच्छा। तो उसमें एक कैरेक्टर है आपका, क्या कहते हैं, पतलू। हाँ। क्या कर रहे हो मोटू, जॉन को ये मत बताना कि सोना जो है तिजोरी में छुपा रखा है। क्या बात है। उसी में एक कैरेक्टर है वो डॉक्टर झटका। ओए मोटू मेरे प्रा, ये इंजेक्शन तुझे लगा दूंगा तो तेरे सिर के बाल सारे आ जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, मिमिक्री तो मैं, अब तो नया दौर आ गया, लोग पुराने एक्टरों को भूल गए होंगे। तो हमारे मुझे ओम प्रकाश जी। अच्छा। मैं बेटा, अब बेटा क्या कर रहे हो बेटा, आओ कभी बंगले पे आओ। हमारे जगदीप जी हुआ करते थे। हाँ। लगा दिया, किधर गई उड़ान छल्ले की तरह, किधर गई। केस्टो जी की भी मैं मिमिक्री करता था, मतलब पुराने एक्टर मैंने सारे ही मिमिक्री किए, लेकिन धीरे धीरे फिर समय बदलता है। पहाड़ी लोग की मिमिक्री कर सकते हैं अगर याद आ रहा हो तो। पहाड़ी में अगर
इतना तो याद नहीं, लेकिन अगर पहाड़ के बूबू होते हैं पोपले दांत अंदर तो तो थोड़ा सा मैं कोशिश रहा हूँ। अरे नाती 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 यहाँ जरा मैं तमाक में ये चिलम में जरा तमाक भल्ला तो भिजे बजी तो यहाँ पत्ते ने लकड़ खाटन जरा कबड्डी यार मगर मगर यार चशक लग गया जरा जब भल्ला तो यार तू क्या हमका जन बचे हैं मैं तुझे मिशिट डून मिशिट। अच्छा बात है, पहले होते थे अम्मा बुकू, अम्मा बुकू होते थे तो हुक्का होता था, बाखली होती थी जो है पधान के वहाँ हुक्का जलता था, जलता था तंबाकू कई लोग आते थे तो ये चीज है ना माहौल धीरे धीरे समय के हिसाब से सब विलुप्त होता जा रहा है जी। अलग अलग कारण है पलायन के भी और पलायन भी अलग अलग दिशा पे हुआ है। पलायन अब पीछे पलायन वहाँ से शहरों से पलायन हो गया था कोरोना के टाइम पे। तो अगर पलायन की बात करो तो पलायन को कैसे देखते हैं? पलायन को देखो मजबूरी है लोगों की। हम भी अभी करीबन 30-40 साल पहले हम भी गांव से शहर गए थे पिताजी हमारे, तो अभी हमें उस दौरान उनको मजबूरी थी जॉब करना काम के लिए, गांव में इतने काम नहीं था तो इसलिए जाना पड़ा उनको। अब हम वापस आए सोच के कि भाई नहीं काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में करेंगे काम। पलायन पे कोई गाना? पलायन पे गाना हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको, पलायन का हमारे पिटारे में आपको सब कुछ मिलेगा। क्यों जी? तो आइए पिटारे को खोलते हैं खुलजा सिंह से। पलायन पे गाना, जब ये पिछले साल कोरोना आया तो कोरोना में काफ़ी गाने बनाए मैंने, उसमें से एक गाना ये है। इसमें था कि भाई लोग आ गए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वापस ना जाएं, और काफ़ी लोग यहाँ रुके भी। अच्छा, काफ़ी लोगों ने अपना रोजगार बनाया यहाँ पे पहाड़ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ है ना, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रुक कर रोजगार किया अपना बनाया। सरकार ने उन्हें हेल्प की या नहीं की वो दूसरा मामला है, मुद्दा है, मगर फिर भी उन्होंने अपने यहाँ पे रुके काम किए ठहरे लोगों ने, तो उस तरह के लिए अपील थी लोगों के लिए। आगे छा पहाड़ लौट के जाया झन, आगे छा पहाड़ लौट के जाया झन, चार दिन हंसा गे छा खूब, चार दिन हंसा गे छा खूब, अब तुम रुलाया झन, आगे छा पहाड़ चमक धमक शहरों की, चार दिन में उड़ जाली याद त्वे के अपना पहाड़ की आली, दुखी सुनो घर द्वार तेरो दुखी बुढ़ बाड़ी, सुनो घर द्वार तेरो दुखी बुढ़ बाड़ी, सुखी गे छे यो हरियाली, याद त्वे के अपना पहाड़ की आली, रसिलो पहाड़ तेरो रंगीलो पहाड़, रसिलो पहाड़ तेरो रंगीलो पहाड़, रंग का तुम उड़ाया झन, चार दिन हंसा गे छा खूब, चार दिन हंसा गे छा, अब तुम रुलाया झन, आगे छा पहाड़। क्या बात है, क्या बात है। वास्तव में जब हम पहाड़ वापस होनो तो ये हमारे जो छे धरोहर छे, कई तरीके हम एक संभाल लूँ या हमू पे निर्भर करूँ, ये हम पे ही निर्भर करता है कि हम अपने पहाड़ को किस तरह से सजा के धजा के रखते हैं। अच्छा लगता है जब कभी घर जाते हैं, लेकिन एक एहसास जो है वो मर सा जाता है जब तुम अपने ही घर में अपने ही गांव में मेहमान बन के जाते हो। तो कनेक्टिविटी लगातार बनते रहनी चाहिए। आपको बाहर आना पड़ता है, मजबूरी है, आपको नौकरी करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, बाहर तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन अगर अपने गांव से अगर आप कनेक्टिविटी रखते हैं तो अच्छा होगा पहाड़ों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो ये है।
तो ये हुड़के में कैसा आना कि मॉडर्न फोक आजकल बहुत, मतलब मॉडर्न चीज़ें बहुत चल रही हैं, आदमी ढोलक ज़्यादा पसंद करता है, तबला ज़्यादा पसंद करता है, सिंथेसाइजर बहुत पसंद करता है, अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, उनके बीच में हुड़का कैसे निकल रहा है? ये सही पूछा आपने दीपांशु जी, मैं बताऊंगा आपको कि वैसे तो मैं तबले से ही मेरी रुचि थी, ढोलक में मैं रिदम जो है रिदमिस्टेड, मैं सबसे पहले कॉन्गो, आपको याद होगा अगर कॉन्गो चला करता था स्कूल्स में तो मैं कॉन्गो प्ले किया करता था। कॉन्गो भी क्या, हम एक बैच होता था हमारा चार पांच दोस्तों का, तो एक गाना गा रहा है तो मैं बेंच पे कुछ भी बुक्स रख के बजाता था, एक सचिन शर्मा मेरा फ्रेंड है गाजियाबाद, तो वो गाता था और मैं बेंच पे बजाता था। तो उस समय फिर धीरे धीरे फिर कॉन्गो का दौर आया, फिर मैं रिदमिस्ट हुआ तो ड्रम मैंने प्ले किया, फिर मैंने कहा कि क्लासिकल में जाना है तो थोड़ा तबला भी सीखा जाए। फिर जब मैं पहाड़ों की तरफ मैं थोड़ा सा आया तो मैंने फिर जब पहली बार, मैंने भी पहले नहीं देखा था ना सुना था, क्योंकि उस समय या तो रेडियो पर ही आप गाने सुनते थे, रेडियो जो है उत्तराखंड का या कह लो रेडियो अल्मोड़ा एक आकाशवाणी सुनते थे जब लोग हम लोग पहाड़ आते थे, ऐसा उधर कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे जब कैसेट का दौर आया तो कैसेट प्लेयर पे कैसेट डाल के सुनते थे, उस समय भी नहीं दिखाई दिया। फिर जब मंच का दौर आया, अच्छा मंच पे मैंने कई लोगों को हुड़का, मतलब ये मेरे ख्याल से आठ साल नौ साल पुरानी बात है, तो मैंने मंच पे जब हुड़का बजाते हुए देखा, मैंने इतना बड़ा डमरू क्यों बजा रहे हैं लोग, ये तो शिव जी के हाथ में, क्योंकि इसका जो उद्गम हुआ है, इसका जो मेन जो जहाँ से ये निकला है, मैं तो मानता हूँ कि वो गूगल ज्ञान कह लीजिए या इधर उधर से ज्ञान कह लीजिए, तो इसका जितना भी ये उद्गम हुआ है ये डमरू का ही एक रूप है। तो हमारे पहाड़ों में भाई साधन या तो रेडियो था मनोरंजन का, अब हर समय आदमी सुनेगा नहीं रेडियो, अब जैसे खेतों में धान लगाते थे उस समय एक हुड़किया बोल, अगर आप सुनेंगे तो हुड़किया बोल, मैं आपके साथ इसको प्ले करूँ, तो हुड़किया बोल में एक आदमी हुड़का उनका मनोरंजन के लिए कि 30-35 लोग खेत में अगर लगे हैं तो वो कुछ हुड़किया बोल भी गा रहे हैं और उसका साथ देने के लिए हुड़का भी चल रहा है। अब तो अगर आप हमारे यहाँ के धर्म की बात, आध्यात्म की बात करें, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो जागर हमारे यहाँ एक शैली है जो देवताओं का आह्वान जिसमें किया जाता है, वो हिंदू धर्म में हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो हमारे यहाँ जो तरीका है वो हुड़के के माध्यम से, कुछ हमारे जो देवता है वो हुड़के की थाप पर आते हैं। हुड़का जो है मंचु में देर में आया, सही कहा आपने, पहले था क्योंकि ये एक देवों का बाजा है जो तो वो इसलिए क्योंकि लोग सोचा कि इसको देवताओं से जुड़ा हुआ है तो नहीं लाया जाए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, अपनी संस्कृति से कल्चर से जुड़ा हुआ है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब आज तो पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, आप देख रहे होंगे आधुनिक हमारे गीतों में आधुनिकता का प्रवेश हो चुका है, सिंथेसाइजर चलिए वो तो एक बेस के लिए जरूरी, लेकिन ड्रम पता नहीं क्या क्या आप देखिए वो बज रहा है, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए उसके साथ साथ। मैं ये कहता हूँ कि उन चीज़ों को मत रखो, मैं नहीं कह रहा हूँ उन चीज़ों को रखिए, लेकिन आप हुड़का, हुड़का एक ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपको रखना चाहिए उसमें। संस्कृति का प्रचार, ढोल दमुआ मिसक भी नहीं बजेगी तब तक पहाड़ी को डांस कहाँ से आएगा। बिल्कुल, तो आप भी हुड़के के साथ तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन कर ले रहे हैं। पहली बार ट्राई किया पहली बार है ये तो अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो नया हो रहा है। तो जब हम कुछ तो नया की बात करते हैं तो अब क्या नया होने वाला है? एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा था जी, बिल्कुल उस तरह का। तो मैं आपको एक बुक ही सुनाता हूँ अगर आपको पसंद आए तो, जो आपको सुनाते हैं ना बोला, नसीबों वाले होते हैं जिस घर बेटियाँ होती हैं। जी बिल्कुल, नसीबों वाले होते हैं, नसीबों वाले होते हैं जिस घर बेटी होती है, तेरी हंसी में हंसती है, तेरी हंसी में हंसती है, तेरे गम में रोती है बेटियाँ, ऐसी होती है बेटियाँ, ऐसी होती है। तेरी दुनिया बन जाती है, तेरे महकाती है वो, तेरी दुनिया बन जाती है, तेरे घर को महकाती है, तेरे बाग की चिड़ियाँ वो, तेरे बाग की चिड़ियाँ वो दिन रात चहकाती है, दिन रात चहकाती है।
वो किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं, जिस घर लक्ष्मी होती है तेरी हंसी में हंसती है, तेरी हंसी में हंसती है, तेरे गम में रोती है बेटियाँ, ऐसी होती है बेटियाँ, ऐसी होती है। क्या बात है, कमाल है, कमाल है। ये गाना एक्चुअली मैंने लिखा नहीं, मैं कहूँगा आपसे खुद, ये मेरी बेटी जब पैदा होने रही थी। आपकी शादी होगी है जी? क्या बात है, लगते तो नहीं हो, बिल्कुल जवान लगते हो सर अभी। धन्यवाद। मेरा मतलब था कि जिस दिन वो पैदा होने वाली थी, हाँ। मुझे नहीं पता था कि लड़की होने वाली है कि लड़का होने वाला है। हाँ। मैं हॉस्पिटल में ऐसे राउंड मत लगा रहा था, हाँ। चक्कर लगा रहा था अपने आप, ये समझ लिया कि अंदर से होता है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात, अंदर से निकला, मुझे पता नहीं कि बेटा होगा बेटी होगी, अपने आप से गाना बनना शुरू हुआ। क्या बात है, तो मैंने ये गाना बना लिया। अरे क्या बात है, कमाल। उम्र कितनी होगी आपकी? यही कुछ 18 के आसपास, 19 मान लीजिए। अच्छा, बड़े मजा, क्या है आप? जस्ट डबल कर लीजिए अब नहीं। अच्छा, 19 का डबल करेंगे तो वही उम्र होगी। आज बड़े कन्फ्यूजन होगा हमारी जनता को, वो जानना चाहेंगे साहिल भाई की उम्र कितनी है। आप गैस कीजिए, अंदाजा लगाइए। और मैं स्टोव वो खिला, आप गैस कीजिए, मैं वो जलाता हूँ पीछे से। हाँ, स्टोव लगाते हैं, आग लगाता हूँ। हाँ, यूँ ही 25 साल। बहुत कम बता दिया आपने। अच्छा, 39। क्या बात है, 40 का भी हो जाऊंगा दिसंबर में। बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखा। मुझे लगा ये बोलने वाले 39, 49 का यहाँ से निकलते हो जाऊंगा। तो चलो, ये तो एक मजाक तक था, और वास्तव में अगर कोई देखेगा आपको लगेगा नहीं कि आपकी उम्र जो है 40 साल की तकरीबन है। एक्चुअली हमारे साबुन अलग है। अच्छा, कौन से साबुन से नहाते हैं? वही जो पहले ऐड में दिखाते थे। अच्छा, वो स्टॉक रख लेता उस टाइम पे, वो ऐड आता था वही। हाँ, वो नहीं, मैं सिंदूर वाला ऐड आता था। जी, मैं कहूँगा अगर आदमी मस्त रहे, हाँ। अपने काम में मस्त रहे, अपने से जुड़ा रहे, तो उम्र जो है पीछे रहती। हाँ, तो क्या आदमी आगे बढ़ता है। ये उन्होंने ऊपरी बातें कही, अंदर ही बात ये है कि भाई हमने उस टाइम पे वो साबुन स्टॉक कर लिया था। हाँ, आज नहीं मिल रहा है संतोष। हाँ, उस टाइम का है बड़ा हुआ है। ठीक है, ये एनर्जी है, और हमारे दर्शकों को भी आपके साथ बात करके, आपके साथ जुड़ के बड़ा अच्छा लगा होगा हम आशा करते हैं। और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप हमारे यहाँ आए, और अंत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया। हम तो कह रहे हैं इस कम समय में हम कम कई चीज़ें नहीं बता पाए, तो हम अगली बार जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाएं तो हम आपको। नहीं नहीं, हम आपको जरूर बुलाएंगे, लाइव शो के दौरान मिलेंगे, इवेंट्स के दौरान मिलेंगे। वैसे भी हमारी मुहिम है कि उत्तराखंड के कलाकारों के साथ कोई ऐसे प्रोग्राम किए जाएं। नहीं, बहुत अच्छा मुहिम है, अच्छा प्रयास है। मैं देखता हूँ कई लोगों को मंच नहीं मिल पाता, और अभी कोरोना काल में तो मंच तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, लेकिन ये एक अच्छा जरिया आपने बिल्कुल दिया है, क्योंकि जितने भी कलाकार हैं ना, उनको मंच तो मिला नहीं, पंच जरूर मिला। ये तो है, तो कठिन दौर पे हैं। मैं अपनी जनता से भी निवेदन करूँगा कि आप घरों पर सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क पहनें, और अगर अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि समय थोड़ा सा खराब है, अभी सुरक्षा रखने का समय है। आपके मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ज्ञान के लिए हम ऐसे ही कुछ कलाकारों को लेके आएंगे, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से। तब तक आप देखते रहिए वाह दगड़िया JJN न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच। वाह दगड़िया हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ JJN न्यूज़ पर, सिर्फ JJN न्यूज़ पर।